Hello friends, today we are going to study Hina Matsuri, a festival of Japan dedicated to girls. 7-year-old Sayo in Osaka, Japan looks forward to the third day of March when Hina Matsuri takes place. तो सायो जो 7-year-old है वो जापान में होने वाले फेस्टिवल का इंतजार कर रही है जो कि थर्ड डे ऑफ मार्च में होता है. इट इज़ अ डे डेडिकेटेड इंटायरली टू गर्ल्स और ये पूरा जो फेस्टिवल है वो सिर्फ गर्ल्स को ही डेडिकेटेड होता है. नियरली एवरी जापानीज गर्ल ओन्स ए स्पेशल सेट ऑफ ब्यूटीफुल डॉल्स और करीब करीब सभी जापानीज गर्ल के पास ब्यूटीफुल डॉल्स का सेट जरूर होता है विच हैज़ आइदर बीन बॉट स्पेशली फॉर हर और हैज़ बीन इन हर फैमिली फॉर मेनी ईयर्स. तो या तो वो डॉल्स जो है उसके लिए स्पेशली ख़रीदा हुआ होता है या उसके घर में काफ़ी सालों से रखा होता है. द डॉल्स रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यू. तो जो डॉल होती हैं वो ट्रेडिशनल वैल्यूज शो करती है जापान का संस्कृति शो करती है सच एज कामनेस एंड डिग्निटी एंड आर इंटेंडेड टू सेट एन एग्जांपल दैट गर्ल्स कैन फॉलो. तो वो उस एग्जांपल्स को वहाँ की लड़कियों को जापानीज लड़कियों को वो देना चाहती हैं डॉल्स और उसको रिप्रेजेंट करती हैं जो कि जिसमें अच्छी बातें सिखाई गई हैं सच एज कामनेस एंड डिग्निटी. कामनेस का मतलब होता है शांति प्रियता और डिग्निटी का मतलब होता है स्वाभिमान. माई ग्रैंड पेरेंट्स गेव मी दिस किमोनो. नाउ यू नो व्हाट इज किमोनो. किमोनो इज दिस ड्रेस. यू लुक एट दिस डॉग यू दिस पिक्चर. It has so many layers which makes it quite uncomfortable to wear. Now we'll go to Awashima Shrine. What happens in Awashima Shrine? The Japanese believe that a person's illness or bad luck can be transferred to a doll. तो जापानीज क्या बिलीव करते हैं कि एक पर्सन का जो इलनेस और बैड लक है वो एक डॉल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. दे देयरफॉर होल्ड ए प्यूरिफिकेशन सेरेमनी और वे लोग एक प्यूरिफिकेशन सेरेमनी मनाते हैं एक उत्सव ईच सेरेमनी ईच ईयर ड्यूरिंग हिना मत्सुरी एट द अवाशिमा श्राइन नियर ओशाका. तो वो हिना मत्सुरी के समय अवाशिमा श्राइन के नज़दीक ये जो सेरेमनी है उत्सव जो है वो मनाते हैं. After the prayers are completed, the boats are set afloat in water. और जब प्रेयर को ख़त्म करके अवाशिमा श्राइन से जब निकला जाता है तो the boats are afloat in water. तब बोट को छोड़ा जाता है. Some people believe that the dolls go to the country of the gods and carry the owner's ill fortune with them. तो उस बोट में सारी डॉल्स को रख करके और उसको समुद्र में नदी में बहा दिया जाता है और ये people लोग ये believe करते हैं कि dolls जो है वो ईश्वर के राज्य में चली जाती है और सारा जो ill यानी बुरी चीज़ें हैं और जो बुरा फॉर्चून है बुरा भाग्य है वो ले जाती हैं. नाउ सेरेमनी ऑफ डॉल्स. ह्यूज क्राउड्स गैदर आउटसाइड द श्राइन टू वॉच द सेरेमनी. और बहुत बड़ी भीड़ श्राइन के अवाशिमा श्राइन के आसपास लगती है टू वॉच द सेरेमनी विच इज़ कॉल्ड नागाशी बिना. और उसको नागाशी बिना कहा जाता है और नागाशी बिना का मतलब होता है कास्टिंग द डॉल्स आउट टू द सी. समुद्र में उसको बहा दिया जाता है. द डॉल्स आर प्लेस्ड इन बोट्स
उस डॉल को बोट्स में रख दिया जाता है एंड आफ्टर प्रेयर्स हैव बीन सेड द बोट्स आर लेड इन ए प्रोसेशन और उसको प्रोसेशन में वहाँ तक ले जाया जाता है समुद्र तक और वहाँ पे बहा दिया जाता है. सिंटोइस ड्रेस्ड इन रिलीजियस जापानीज रोब्स चैंट प्रेयर्स एज दे फॉलो द पाथ डाउन द सी और जब वो सी तक जाते हैं तो वो कुछ मंत्रा चैंट करते हुए जाते हैं और एक ख़ास प्रकार का जापानीज रोब पहन के जाते हैं. नाउ द फिफ्थ स्टेप में क्या होता है. सायोज डॉल डिस्प्ले 10 days बिफोर द फेस्टिवल 10 दिन पहले फेस्टिवल के सायो एंड हर मदर क्लीन द बेस्ट रूम ऑफ द हाउस एंड इरेक्ट सेवन टीयर्ड प्लेटफॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं ये पिक्चर